वहीं इधर सवाल में हमें बताया जा रहा है कि एक इदारे को 9 लोगों में से 3 लोगों को बेतरतीब तौर पर चुनकर सदर, नायब सदर और मुंशी के ओहदे देने हैं। आगे कह रहे हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि सनिया सदर बने, अर्जुन नायब सदर बने और आनिया मुंशी बने। भाई, इस बात का इम्कान कि सनिया सदर बने, अर्जुन नायब सदर बने और आनिया मुंशी बने, ये सारे मुमकिनात में से एक मुमकिना सूरत हाल है, तो इसका इम्कान बराबर हो जाएगा 1/ कुल मुमकिनात के। अब कुल मुमकिनात क्या हैं हमारे पास? चलें इसके लिए ज़रा 3 जगह बना लेते हैं। यहाँ पे सदर होगा, यहाँ पे नायब सदर होगा और यहाँ पे मुंशी होगा। अब भाई, पहली जगह पूर करने के लिए हमारे पास कुल 9 मुमकिनात हैं, क्योंकि यहाँ इदारे में 9 लोग हैं। दूसरी जगह के लिए फिर 8 मुमकिनात रह जाएंगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर आ ही चुका होगा। और फिर तीसरी जगह के लिए हमारे पास कुल 7 मुमकिनात होंगी, क्योंकि 9 में से 2 लोग तो चुने जा चुके हैं। अब कुल मुमकिनात यानी यहाँ पर कुल परम्यूटेशंस बराबर हो जाएंगी 9 ضرب 8 ضرب 7 के। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 504 आ जाएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात का इम्कान बराबर होगा 1/504 के। और बस यही हमारा जवाब है।